वो मैं जा रहा हूँ अपने विलेज। दुल्ला तो अभी फिलहाल डिक्की में सारा सामान जोड़ रहा। क्या कर ले हो? गाँव का स्वैग बिल्लो। हमारी बाइक फंस गई है जी। लीमू लेने के लिए हमें जाना पड़ा पक्के, और अभी हम जा रहे हैं कच्चे पे। बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है और माशाल्लाह। कि ठीक है? नहीं कहनी नहीं। और साथ में करने लगे बारबेक्यू का इंतजाम। अभी हम काम करेंगे बारी बारी, और अभी बारियां सीखोगी। ये हमने रखा हुआ घी, साथ में हमारे बिस्तर हो चुके हैं रेडी। ये चेक करें जरा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। आज का सीन कुछ इस तरह है कि आज मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ 2 डे ट्रिप पे। वो मैं जा रहा हूँ अपने विलेज जहाँ पे हमारे खेत हैं, तो हमारे वहाँ पर हवेली वगैरह सब कुछ बना हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ उधर घर वालों को लेके। मेरा 2 दिन का ट्रिप है तो मैंने कहा चले। अब घर वाले काफ़ी दिन से कह रहे थे कि वहाँ पर जाना है, ये करना है, वो करना है। मैंने कहा चलो फिलहाल निकलते, भी सारा सामान रेडी हो चुका हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 1 बजे, हमने 12 बजे निकलना था लेकिन उठे सब काफ़ी देर के हुए। लेकिन आपको पता फिर भी टाइम एक आधा घंटा बंदा लेट हो ही जाता है, चाहे जो मर्जी हो। ये सब रेडी हो चुके हैं जी। अब्दुल्ला इधर खड़ा हुआ है और अब्दुल्ला तो अभी फिलहाल डिक्की में सारा सामान जोड़ रहा और जगह नहीं बन रही अब्दुल्ला की डिक्की में बैठने के लिए। और मूसा आ गया, आपको अभी मूसा भी दिखाते हैं। मूसा बाबा जी चिल मार। फाइनली अभी हम आ चुके हैं जी अपने गांव में और अपने खेतों में। ये हमारी हवेली, अभी सूरज आंखों में बढ़ रहा है, अभी पहुंचे कुछ देर पहले। और अभी टाइम हो रहा है जी 3:40, और थोड़ा सा मुझे काम था, मैं वहाँ चला गया, वहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका। और ये खड़ी है जी मेरी गाड़ी, और ये देखिए ज़रा मोहम्मद मूसा माशाल्लाह भागी भागी कर ले। क्या कर ले हो? उसे क्या कर ले? ये हमारी हवेली है और ऊपर माशाल्लाह पीछे व्यू चेक कर रहे हैं। ये देखे अब्दुल्ला, आओ कभी हवेली में खुशबू लगा के। अभी चले आपको मैं जरा इसके ड्रोन व्यूज ले लूं अभी से, और फिर उसके बाद बाकी का जो फिर तैयारी शारी है। क्या तल इनकी खुशबू नहीं आती, वो खुशबू ले रहा है। क्या कर ले हो? उसको खुली जगह मिली है माशाल्लाह, बहुत खुश है, हैप्पी हैप्पी है मूसा। ध्यान से ध्यान से। गाँव का स्वैग बिल्लो। आए नहीं स्वैग बिल्लो। अभी हम जा रहे हैं जी रोटियां लेने के लिए, क्योंकि गाँव में यहाँ पे रोटियां नहीं मिलती। थोड़ा सा हटी है बाइक स्टॉप है, और यहाँ पे रोड का कुछ पता नहीं काम शाम हो रहा है, जिसकी वजह से रोड अभी सही नहीं है। और मैं और अब्दुल्ला जा रहे हैं रोटियां लेने के लिए, क्योंकि सबको लगी है भूख। यस। तो मैंने कहा पहले खाना छाना खा लें, बाकी के काम फिर करेंगे। और माशाल्लाह इधर का एक अपना ही स्वैग है, एक अपनी फील है, एक ताज़ा हवा, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस हर तरफ आपको ये मिलती है हरियाली। सबसे बड़ी बात आपका माइंड फ्रेश रहता है। और दूसरी तरफ से ये देखें ज़रा, ये चक्कर टोए। हमारी बाइक फंस गई है जी। फाइनली अभी रोटियां वगैरह तो हमने ले ली हैं, और ये साथ में हमने ले थे लीमू, लेकिन लीमू लेने के लिए हमें जाना पड़ा पक्के, और अभी हम जा रहे हैं कच्चे पे। खेरे के बिल्कुल पास आगे गाँव है, इधर यही सिस्टम होता है, कुछ भी लेना हो ना तो आपको मेन के ऊपर जाना पड़ता है। आपको गाँव में अंदर से कुछ बहुत काम होता है, कोई साधन मतलब कुछ चीज़ मिल जाए, बहुत काम कुछ चीज़ मिलती है, और वरना आपको मेन की तरफ आपको जाना पड़ता है। इधर बड़ी मुनासिब सी चीज़ें मिलती हैं। अभी फिलहाल ये लीमू और रोटियां लेके हम जा रहे हैं, और आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारा डेली का जो आगे गाँव है ना, बाकी आप ये चेक करें इस टाइम क्या मौसम हो रहा है। 5 बजने के बस करीब करीब है। हाँ अभी 5 बजे में अभी 20 मिनट है। बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है और बहुत ठंडी हवा है अभी इधर। रात को यहाँ पर मज़ीद सर्दी हो जाएगी। ये है जी गांव जिसकी मैं बात कर रहा था, और इस तरफ है जी हमारा फार्म हाउस, हमारा डेरा, वो सामने ग्रीन कलर का गेट, ये साइडों में सारी ये हरियाली माशाल्लाह, देसी माहौल।
अभी खाने का टाइम है, खाना खा गया फिर आप लोगों के लिए मैं लेता हूँ ड्रोन शूट, और आप फिर ड्रोन शूट इंजॉय करना। और मूसा वो देखें ज़्यादा क्या कर रहा है। बस 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 थक जाओगी, बस थक जाओगी, बस प्यारे नज़ारे हैं यार यहाँ पे मेरे पीछे, पता नहीं आपको सही नज़र आ रहा नहीं आ रहा। ड्रोन शूट मैंने ले लिए हैं तो आप सब ने देख भी लिए होंगे, 100% शोर आपने देख लिए होंगे, क्योंकि इससे पहले जो क्लिप गुजरा है वो ड्रोन शूट पे गुजरा है। तो अभी चेक करें ज़रा, ये अभी मगरिब की अजानें हो रही हैं और माशाल्लाह। हाँ जी, की हाल तेरा? ठीक ठाक है, गल करनी हूँ, इसने बात करनी है जी। इधर वेख, नहीं इधर वेख, तू भी नहीं पी? हाँ की है? ठीक है? नहीं कहनी नहीं। हाँ तीनू की है? तू ठीक ठाक है? तू नहीं पट्ठे खाते? पट्ठे खा ले तू? हाँ की भी नहीं पी? पैंट शर्ट वाला मुंडा पहले वेखे। थोड़ा सा अंधेरा शुरू हो गया और अभी पी रहे हैं जी हम चाय और साथ में करने लगे बारबेक्यू का इंतजाम। अभी हमने बारबेक्यू के लिए देसी जुगाड़ लगाना है और वो भी हम आपको दिखाएंगे। ज़रा पहले चाय पी लिया, ज़रा गरम गरम चाय माना यार, माशाल्लाह। बारबेक्यू के लिए जो होती है अंगीठी, उसका भी जुगाड़ लगाने लगे हैं, एक गड्ढा खोदने लगे हैं यहाँ पे। और अब्दुल्ला भी फ़िलहाल निशानदेही कर रहा है और अभी ये काम करेंगे इसका, फिर हमारा बारबेक्यू स्टार्ट होगा। यहाँ पे बॉनफायर भी हम करेंगे। अब्दुल्ला बॉनफायर करना है? यस, ये तो पहले ही कह रहा है बॉनफायर करना थी। यहाँ नोट मेरी जान, कितनी सुख शांति है बस। यहाँ पे जो होते हैं ना बुलबुल या वो परिंदे होते हैं, उनकी उनकी बस आवाज़ें आ रही हैं, ची 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 ची। शायद आपको कुछ कुछ आवाज़ आ रही हो, शायद मैं भी। बुला तो शुरू हो गया और अभी हम काम करेंगे बारी बारी। ये चेक करें ज़रा, मैंने बोला दूल्हा ला मैं कर, कहता है भाई इन्ना काम तो मैं कर ही लेना। वैसे तू लै की गल की, वैसे देखी जरा उम्मीद नहीं ना मेरे को। तो यार नहीं, मैं क्या थक जाएगा। ये देखें जी हमारा देसी जुगाड़ बारबेक्यू के लिए, और अभी कोयले अब्दुल्ला लगा रहा है जी जोर। हाय 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 हाय, क्या अब्दुल्ला के देखें लुक क्या आ रही है रात के ना। अब्दुल्ला की मेहनत रंग ले आई है, और अब्दुल्ला का रंग अभी सही नहीं आ रहा लेकिन उसकी मेहनत रंग ले आई है। बिल्कुल, ये चेक कर रहे हैं जी, रंग पे नहीं जाना, दिल पे जाए, दिल पे। नहीं नहीं, अभी अभी देखें, अभी साफ हो गया। अभी आग लग चुकी है, कोयले हमारे रेडी हो चुके हैं और अभी हम चिकन को सीखों के अंदर फिल करेंगे और बारबेक्यू हमारा रेडी हो जाएगा। आग हमारी हो चुकी है जी रेडी, और अभी बारियाँ सीखोगी और मैं चिकन को सीखों के अंदर फिलिंग कर रहा हूँ, और इसके बाद इसको पकाएंगे और खाएंगे। दूल्हा ने अपने से जो काम था वो कर लिया, अपने से ज़्यादा उसने काम कर लिया। वैसे आग जला दी है उसने, जो अंगीठी थी वो बना दी, और अभी ये कर रहा हूँ मैं फिलिंग। और अब्दुल्ला ने, अब्दुल्ला के हाथ में भी मोबाइल है, वो भी बनाएगा आग की, इसको पकाएगा अभी, इसको सारा दिखाएगा। अभी मौसम बहुत प्यारा हो चुका है और घर वाले बना रहे हैं चटनी देसी तरीके से, आपको वो भी दिखाते हैं ज़रा। हमारा काम हो चुका हुआ जी रेडी, और एक एक दफ़ा ना सबने खा भी लिए। अरे भी ये रखे हुए हैं जी बारबेक्यू के ऊपर,
और अभी बड़े कुत्ते भौंक रहे हैं, अभी रात का टाइम है और यहाँ पे फुल टाइम सुनसान है, बस इसी डेरे से बस आवाज़ गूंज रही होगी और सारे कह रहे होंगे यार लोरी आए जी फलां जगह पे। और ये जी अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बड़ा मजा आ रहा है, दिखाई दे रहा सीख दिखा दे रहा, ये चक्कर है जी अब्दुल्ला ने हाथ में भाई फुल सील करी है इसकी, एक बोटी नीचे प्लेट में बोटी नीचे प्लेट में पूरी सीख दिखानी है। ये देखिए सर, ये हमारा निज़ाम, ये लीमू पड़े हैं जी, ये हमने रखा हुआ घी, साथ में ये भी चलती है ना, और ये तिक्के का मसाला हैवी किस्म का लगा हुआ है। अभी बारबेक्यू वगैरह तो हमारा हो चुका है जी, और सब खा पी के चले गए अपने 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 बिस्तरों में, और मैं और अब्दुल्ला बैठ कॉफ़ी पी रहे हैं, आपको धुआं नज़र आ रहा है, और इधर आ गए और आग के अंदर कोयले हैं, इधर कोयले हैं, कोयलों के अंदर अब्दुल्ला ने रखा हुआ है एक आलू। अभी फिलहाल हम सोच रहे हैं कि कहाँ पर हम सोएं, अंदर सोएं बाहर ओपन सोएं, मैं कह रहा हूँ ओपन मच्छरदानी ले लेते हैं और ये सुबह जल्दी उठ जाएंगे खुद ही, फिर सुबह नाश्ता करेंगे ना यार ज़रा हैवी वाला। हमारे बिस्तर हो चुके हैं रेडी, ये चेक करें ज़रा, ये जो मच्छरदानी है हमने वो लगा ली हैं और हम सोएंगे इधर बाहर, बाकी सारे घर वाले उस रूम में, और अब्दुल्ला ये रहा अब्दुल्ला भी फुल अभी नींद में ही है, कह रहा है बस घुसे इनके अंदर। ये रहा मेरा और ये रहा अब्दुल्ला का बेड, और अब्दुल्ला का बेड का देखिए हमने जुगाड़ कैसे लगाया हुआ है, ये चेक करें से माशाल्लाह। मैं आ चुका हूँ जी अपनी मच्छरदानी के अंदर, और ओए मच्छर तो कोई अंदर नहीं है, नहीं लाइट भी होने तो मुझे ऐसा फील लगा कि मच्छर भी अंदर है, कोई मच्छर नहीं है। और ये जी ये रहा जी मेरा बिस्तर, यहाँ से ये जिप है, ये ऐसे खोलो और बाहर, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर हूँ और अब्दुल्ला वो सामने, ये रहा अब्दुल्ला और ये जी हमारा आज का बिस्तर, माशाल्लाह वैसे अच्छी फील आ रही है, एक तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है और कमाल मज़ा आ रहा है। बेसिकली रूम्स हैं लेकिन अब्दुल्ला कह रहा है कि मुझे वहाँ पर डर लगता है, अब्दुल्ला के डर की वजह से फिर मैं यहाँ पे सो रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा ठंडा मौसम है। खैर इसके साथ मेरे इस ब्लॉग का इख्तिताम होता है, अब आपसे मिलेंगे सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। किसान जिंदाबाद, हंसते रहे मुस्कुराते रहे खुशियाँ बांटते रहे, अल्लाह हाफिज़।